कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अल्कोहल, फेनॉल एंड ईडर। ठीक है, इससे पहले हमने अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, तो आप लोग जाके अच्छे से रिवीजन करेंगे और जिससे अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं। और उसका नेक्स्ट लेक्चर का नाम है अल्कोहल, फेनॉल एंड ईडर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए अल्कोहल, फेनॉल एंड ईदर। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है अल्कोहल क्या होता है, फेनॉल क्या होता है, ईदर क्या होता है। वैसे तो मैंने सब कुछ बताया हुआ है आपको, अल्कोहल ईदर के बारे में आप जानते होंगे, फेनॉल के बारे में नहीं जानते होंगे। हाँ, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था फिनाइल ग्रुप। ठीक है, फिनाइल ग्रुप जहाँ पे बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटता है तो एक क्या होता है, फिनाइल ग्रुप आता है। लेकिन फिनाइल और फेनॉल अलग चीज़ है, कन्फ्यूज मत होइएगा लोग। ठीक है, एक एक करके बताते हैं। चलिए सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, स्टार्टिंग करते हैं अल्कोहल के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम लिखते हैं CH3OH, ठीक है, हम जानते हैं अल्कोहल क्या होता है, OH ग्रुप जुड़ा होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, इसका नामकरण क्या होता है भाई, वीडियो स्टॉप कीजिए और कमेंट में लिखिए, वीडियो स्टॉप कीजिए और यूट्यूब के कमेंट में लिखिए क्या होता है नाम, फटाफट लिखिए, स्टॉप करके लिखिए, फिर आप देखिए कि मैं जो लिखा हूँ आपका मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, क्या होता भाई, मीथेन ऑल। ठीक है, यही अगर C2H5OH, ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ठीक है, अल्कोहल का ऐसा होता है, ऐसा मानते हैं आप। चलिए अब देखिए, अब अगर हम क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर वापस बना H, H, H। ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ा है, OH, इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे पता है आपको, इसको कहेंगे, अब ध्यान से देखिए, इसको कहेंगे मीथेनॉल। ये सिंपल सा क्या है, मीथेनॉल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसी कार्बन में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह CH3 जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, CH3, या इसको हम एक जनरली R से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई अल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं, या तो CH3 हम जोड़ दें ऐसे एग्जांपल लेके, या कोई अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप मतलब C2H5, C3H7, ये सारी चीज़ें कुछ भी जोड़ सकते हैं। और इसके साथ अगर हम OH लगा देते हैं तो मेरा क्या होगा, तो मेरा क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए, अगर अल्काइल ग्रुप आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ से नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग कैसे होगा मेरे को बताइए। ठीक है, नंबरिंग कैसे होगा, कहाँ से आपका नंबरिंग होता है, आपको आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से होगा, 1, 2, यही नंबरिंग होगा, 1, 2। लेकिन यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है, ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है, ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है। तो हम एक काम करते हैं, इसको अल्काइल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं, हम इसको नंबरिंग नहीं करते। ठीक है, चलिए 1 नंबरिंग करते हैं इसको, 1 अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अल्कोक्सी हाइड्रोक्सी, सॉरी हाइड्रोक्सी का क्या होता है, 1 हाइड्रोक्सी। ठीक है, 1 हाइड्रोक्सी आता है, ये जब ये साथ रहेगा तो इसका हमें क्या लेना पड़ेगा प्रीफिक्स लेना पड़ेगा, मतलब इसका हम क्या लेते हैं, 1 अल्काइल लेते हैं, मतलब इसका क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल। ठीक है, 1 मिथाइल क्या हो जाएगा आपका, 1 मिथाइल मिथेनॉल, ऐसे लिख सकते हैं, 1 मिथाइल और मिथेनॉल ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हम नंबरिंग यहाँ तक एक्सटेंड नहीं कर रहे, हम इसको मान रहे हैं अल्काइल ग्रुप इससे अटैच है, तो 1 पे क्या है, अल्काइल है, अगर CH3 माने तो मिथाइल, अगर R माने तो अल्काइल, 1 अल्काइल या 1 मिथाइल मिथेनॉल, कोई दिक्कत आती है नहीं। अच्छा, जब इस तरीके का चीज रहता है, एक यहाँ पे अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है ना, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री प्राइमरी या 1 डिग्री प्राइमरी या 1 डिग्री OH ग्रुप, प्राइमरी या 1 डिग्री OH ग्रुप। ठीक है, जब OH ऐसे कार्बन से अटैच हो जो कार्बन किसी एक अल्काइल ग्रुप से अटैच हो तो प्राइमरी कहलाता है। ठीक है, कभी कभी हम इस नेम में भी प्राइमरी का यूज करते हैं,
अगर हम इस नेम में यूज कर ले, ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर नेम में हम यूज कर ले वन मिथाइल मीथेनॉल, अब आगे जाके ब्रैकेट में वन डिग्री, ऐसे भी यूज करते हैं, मतलब कि ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है मेरा कि यहाँ पे कार्बन के साथ वन मिथाइल ग्रुप है। आप कहेंगे सर इसकी जरूरत क्या है, यहाँ पे तो वन मिथाइल लिख रहा है तो हम आसानी से जान लेंगे कि ऐसा है। हाँ ये बात तो है, तो हम चाहे तो वन मिथाइल न लिखें, हम चाहे तो वन मिथाइल न लिखें, सिर्फ मिथेनॉल लिख दें, हम नहीं लिखेंगे वन मिथाइल, हम वन मिथाइल नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, अगर मिथेनॉल वन डिग्री भी लिखा है तो भी यहाँ से हम जान जाएंगे एक अल्काइल ग्रुप तो यहाँ पे प्रेजेंट है, एक अल्काइल ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है। अब सवाल आता है कि अल्काइल ग्रुप कौन सा होगा, क्या CH3 होगा, क्या C2H5 होगा, क्या C3H7 होगा, वो आपको मेंशन होगा क्वेश्चन में कि कौन सा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये मिथेन, अगर हम यहाँ पे लिखे मिथेनॉल वन डिग्री, तो ये बताता है कि एक अल्काइल ग्रुप, मतलब कि ये एक ऐसे कार्बन सा टेस्ट है जो कि अपने साथ किसी अदर एक अल्काइल ग्रुप को जोड़े हुए हैं। यही अगर हम कहें ये मिथाइल वन डिग्री नहीं, ये मिथाइल टू डिग्री है, तो इसका ये मतलब है कि दूसरा भी एक ये कार्बन दो अल्काइल ग्रुप से या दो मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड। यही अगर टर्शरी हो जाता है, टर्शरी, तो ये क्या है आपका, तीन अल्काइल या तीन मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर OH ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो जिसके तीन बॉन्ड CH3R से कनेक्टेड है, तो ऐसे चीजों को हम कहते हैं, ऐसे OH ग्रुप को कहते हैं कि वह किस कार्बन से अटैच्ड है, टर्शरी कार्बन से, तो यह थर्ड डिग्री लिखा जाता है कभी कभी, मिथेनॉल थर्ड डिग्री, तो मतलब कि ये ऐसे कार्बन से अटैच्ड है मिथेनॉल जो कि जिसके अलग अदर थ्री बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, इसके जगह अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी बेसिक चीज हमको याद रखनी है, कभी कभी पूछा जाता है, ठीक। चलिए तो इतना याद रखना आपको। चलिए अब हम फेनॉल की बात करते हैं। अच्छा, फेनॉल से बात करने से पहले हम थोड़ा एरोमेटिक कंपाउंड की ही अल्कोहल में बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसका नाम क्या होगा, पॉज करिए वीडियो, बताइए क्या होगा इसका नाम भाई, अगर इसका हम नाम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये बेंजीन है, ये क्या है, क्या भैया बताओ नाम, बताओ नाम, बताओ क्या है, जल्दी नाम बताइए इसका, मैं चाहता हूँ आप नाम बताएं इसका, यूट्यूब कमेंट में लिखिए क्या है ये, अरे इतना सोचना क्या है, जब कुछ अगर नाम नहीं याद आ रहा हो तो आप सीधे नंबरिंग क्यों नहीं कर देते, ये तो एक बेंजीन स्ट्रक्चर ही मानते हैं, ये बेंजीन स्ट्रक्चर ही मानते हैं, ये बेंजीन स्ट्रक्चर ही मानते हैं, CH2OH क्या हो गया, CH2OH क्या हो गया भाई, CH2OH क्या है, CH2 क्या है, OH, फिर से गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए नोमेनक्लेचर आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है, अगर नोमेनक्लेचर आपको मालूम नहीं होता है तो आप आगे नहीं कर पाओगे, राइट। तो अब ये देखिए, ये हम जानते हैं क्या है, ये अल्काइल ग्रुप आता है, अल्काइल ग्रुप में आता है, और जब उसे OH अटैच है तो क्या हो जाएगा, मिथेनॉल ही तो होगा यार, है ना, आप सिंपल देखिए, साइक्लो बेंजीन, साइक्लो बेंजीन आता है इतना, साइक्लो बेंजीन सही है, ये सही लिख रहे हैं, अरे भैया सही नहीं है जी, कितनी बार आपको नंबर ही पता है, 1 2 3 4 5 6, वन पे क्या है, जब वन पे है तो यहाँ से वन डैश लिखते हैं, इतना तो कितनी बार बताया यार आप लोगों को, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, वन डैश
वन डैश हाइड्रोक्सी, इसको ब्रैकेट में ये क्या होगा, मिथाइल 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 और बेंजीन, मिथाइल बेंजीन क्या होगा, मिथाइल बेंजीन, यही ना होगा यार, गलत लिखे है क्या भाई, गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है। हाँ यहाँ पे क्या होगा, वन वन डैश हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजीन, यही ना है, वन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है और बेंजीन है, ऐसे ही लिखेंगे भैया। या और आप अगर बेंजीन नहीं जानते हो तो फिर आप लिखोगे क्या, हेक्स टू फोर सिक्स, सॉरी हेक्स वन टू फोर ट्राई इन, ऐसे नहीं जानते हो तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे अगर बेंजीन जानते हो तो बेंजीन लिखो, सिंपल सी बात है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। चलो इसमें मेरे को कुछ बताना था, मैंने तो नामकरण इसका कर दिया, आपको नहीं आता तो क्या करें, फिर से वही स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, सी एच एच ओ एच, ओ एच किस कार्बन के साथ अटैच है, क्या कार्बन के ऊपर नीचे आपको कोई अल्काइल ग्रुप दिखता है, नहीं दिखता है, तो इस तरह के कार्बन को हम क्या बोलेंगे, इस तरह के कार्बन को जब कोई अल्काइल ग्रुप ही नहीं दिख रहा है तो यहाँ के इस तरह के कार्बन को हम बोलेंगे प्राइमरी, ठीक है, क्या बोलेंगे, प्राइमरी। आपको कैसा, आपने तो इससे पहले कहा था कि अगर तीनों में अगर कोई एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम कहेंगे प्राइमरी, आप तो ऐसे कहते थे यहाँ पे तो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, हम कहेंगे ओ भाई ये किससे अटैच है, ये किससे अटैच है, ये कार्बन ये किससे अटैच है, कोई कार्बन तो यहाँ पे होगा ना, ऑलरेडी एक कार्बन से अटैच है, तो इसका ये मतलब है वो प्राइमरी में ये कंसिडर किया जा सकता है। यही चीज अगर हम इसको हटा के सी एच थ्री लिख दें क्या क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, इसके नाम के आगे सेकेंडरी लिख दीजिएगा, यानी सेकेंड डिग्री। इसी तरीके से अगर ऊपर आ गया तो इसके नाम के आगे क्या लिखिएगा, टर्शियरी, यानी थर्ड डिग्री, इसका नेमिंग कुछ इस तरीके से आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। चलिए इसको डिलीट करते हैं, बगल इसको रिमूव करते हैं और कुछ क्वेश्चंस देते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए नॉर्मल कल्चर का, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे, अच्छा क्वेश्चन लेने पहले से एक चीज बता दूं, क्वेश्चन लेने से पहले एक चीज बता दूं, क्या ईदर और फेनॉल के बारे में थोड़ा बता दें, ईदर ईदर क्या है, हम जानते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है, आर ओ आर, ठीक है। अगर लेटर सपोज सी एस थ्री ओ सी एस थ्री है, नंबरिंग कहां से होगा, नंबरिंग कहां से होगा, हमें से याद रखिएगा, वन टू, वन पे क्या है, मिथाइल यानी मीठा अल्कोक्सी हम यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वन मिथॉक्सी मीथेन, वन मिथॉक्सी मीथेन, याद रखिएगा, आप कहेंगे सर यह कार्बन से हमको नंबरिंग करनी चाहिए, हम कहेंगे भाई आर ओ आर ग्रुप में क्या होता है, ऑक्सीजन से हम लेते हैं, ऑक्सीजन से कितना कार्बन इधर लेफ्ट साइड में अटैच है तो उसको क्या बनाएंगे, अल्कोक्सी, और जो ऑक्सीजन के राइट साइड में जो भी नंबरिंग ऑक्सीजन के राइट साइड में होगा उसको हम बनाएंगे अल्केन या अल्की जो भी है, जो यही अगर अगर मान लीजिए सी टू एच फाइव ओ सी टू एच फाइव, ये क्या हो जाएगा, वन टू, ठीक है, वन से क्या अटैच है, वन यानी वन पे क्या है, इथॉक्सी इथॉक्सी इथेन, इस तरह के जो भी इधर रहते हैं जहाँ पे ये भी ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, ये ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट वाला दोनों सेम है, इस तरह के ग्रुप को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल, इस तरह के ग्रुप को बोलते हैं सिमेट्रिकल, लिख लीजिएगा, इस तरह की चीज को बोलते हैं सिमेट्रिकल। और अगर ऐसे आपको मिले सी एच थ्री ओ सी टू एच फाइव, अब सिमेट्रिकल नहीं है, इस तरह की चीजों को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल, कभी कभी पूछ लेता है आपके एग्जाम में, तो यहाँ पे क्या होगा, वन टू नंबरिंग कीजिए, वन
क्या होगा आपका, मिथॉक्सी और आपका इथेन, क्या होगा इथेन। तो ऐसे नंबरिंग आपको याद रखना चाहिए। ठीक, एक चीज और है वो मैं बता देता हूँ, फिनॉल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, आगे और थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करेंगे इन डिटेल मैनर। फेनोल क्या होता है, जैसे हमने अभी अल्कोहल पढ़ा, तो अल्कोहलिक ग्रुप में हमने देखा कि ये बेंजीन से अगर अल्काइल के थ्रू अगर OH है तो ये क्या होगा अल्कोहल, ये क्या है अल्कोहल। लेकिन अगर ये डायरेक्टली OH इससे अटैच होता है बेंजीन रिंग से तो ये होता है फेनॉल, क्या होता है फेनॉल। अभी बस इतना जानिए ये होता है फेनॉल। इसका अगर आपको इस तरीके की कोई भी चीज मिले, लेट अस सपोज यहाँ पे आपको C2H5 मिले, तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे 1, 2, क्या कहोगे आप, 2 अल्काइल, ये 2 इथाइल, और पूरा का स्ट्रक्चर को फेनॉल बोल देंगे, 2 इथाइल फेनॉल, 2 इथाइल फेनॉल, ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को नेमिंग करते हैं। अब कुछ स्ट्रक्चर में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आप मेरे को नेमिंग करके बताएं, मेरे को व्हाट्सएप पे भेजिएगा। आपका व्हाट्सएप पे मिल नहीं रहा है मेरे को होमवर्क, मेरे को होमवर्क चाहिए, क्योंकि अगर आप होमवर्क नहीं करोगे, जो मैं बताऊंगा आप नहीं करोगे, तो फिर आपको नहीं आने वाले केमिस्ट्री, ये लिख के रख लीजिए। जो मैंने बोला था यूट्यूब पे कमेंट करने के लिए, अगर आप यूट्यूब पे कमेंट नहीं कर पा रहे तो व्हाट्सएप पे भी कमेंट नहीं किए अभी तक, तो कैसे के चलेगा, ऐसे केमिस्ट्री नहीं ऐसे आप सीख पाओगे। ठीक है सर, मेरे लेक्चर से आप केमिस्ट्री सीख लोगे ऐसा नहीं है, आपको खुद भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन देते हैं, और क्वेश्चन को आप क्या करिए अटेम्प्ट कीजिए, और होमवर्क मेरे को ये चाहिए कुछ क्वेश्चन। ये है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी यूज करके आप इसको बनाएं, नाम क्या आगे 1 degree, 2 degree या 3 degree रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। ये 6 क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन का नामकरण नोमेनक्लेचर करके आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, और मेरे को व्हाट्सअप चाहिए। ठीक है, आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का भी यूज़ कर सकते हैं, और नेमिंग कन्वेंशन का तो यूज़ करना ही है, बिना उसके तो आपको आएगा नहीं। ठीक है, तो इसको अच्छे से मेरे को आप करके आप क्या कीजिएगा, मेरे को क्या करेंगे आप, मेरे को व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, भूलिएगा मत। चलिए आगे चलते हैं, इसको टफ कर देते हैं थोड़ा। नोट कर लीजिएगा अच्छे से, चलिए कुछ कॉमन नेम मैं आपको पढ़ाता हूँ, और उसको आपको याद रखना है। ठीक है, बड़ा बड़ा बना दे,
इसको तो आप पहचानते होंगे, टोलिन है आपका। अगर इस टोलिन के यो क्या ऑर्थो, ये बेटा ये पैरा, अगर इसके टोलिन के ऑर्थो पे ओएच आ जाता है तो इसका नाम हो जाएगा, सबसे पहले इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब भी सी एस थ्री के साथ कहीं भी अगर ओएच आ जाता है इसका नाम हो जाता है आपका श्रीसॉल, क्या हो जाता है, श्रीसॉल, सी आर ई एस ओ एल। अगर ऑर्थो पे है तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो श्रीसॉल, क्या हो जाएगा, ऑर्थो श्रीसॉल। यही चीज अगर आपका टॉलिन और ये वाला कहाँ होता है ओएच, मेटा पे, तो ये आपका हो जाएगा मेटा एम श्रीसॉल, एम श्रीसॉल, ठीक है। इसी तरीके से सी एस थ्री कहाँ पे, पैरा पे ओ एच, ये क्या हो जाएगा आपका पैरा श्रीसॉल, पैरा श्रीसॉल। ये थोड़ा याद रखिएगा कि सी एस थ्री के साथ अगर किसी भी जगह ओ एच अटैच है तो श्रीसॉल होता है। अब ये देखना है कि मेटा पे अटैच है, पैरा पे अटैच है और आपका ऑर्थो पे अटैच है, उसके हिसाब से ओ एम और पी लिखना है, ठीक है। चलिए आगे इसको बढ़ाते हैं। चलिए अब ऐसा आता है कभी कभी, जैसे यहां से क्या आपका फेनॉल ग्रुप प्रेजेंट है, फेनॉल यानी ओएच अटैच्ड है, ये फेनॉल ग्रुप होता है। अगर इस ओएच के पैरा सॉरी ऑर्थो पे ओएच अटैच्ड है तो इसको हम क्या नाम डालते हैं, इसको हम देते हैं कैटेकॉल, क्या देते हैं कैटेकॉल, नाम याद रखिएगा कैटेकॉल, क्या नाम देते हैं किड्स स्टूडेंट्स, कैटेकॉल, ठीक है। दूसरा OH है, इसके मेटा पे आता है, इसका नाम हो जाएगा रेसोर किनॉल, क्या रेसोर किनॉल, ये आपको कॉमन नेम याद होना चाहिए, सॉरी ये OH है, और ये अगर इसके पैरा पे आ जाए OH और ये पैरा पे OH, तो ये क्या हो जाएगा हाइड्रो क्यून वन, या इसको कभी कभी क्यूनॉल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, आगे नॉमिन कल्चर में काम आ सकता है, ठीक है, अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। अब आपका होमवर्क क्या है, अभी इसके पहले मैंने जो बताया टॉलिन से अटैच ओएच और इससे अटैच ओएच, मतलब कि फेनॉल से, तीनों का नामकरण आपको करना है नॉमिन कल्चर 1 2 3 नंबरिंग करके आपको करना है, और मेरे को क्या करेंगे आप व्हाट्सएप करेंगे, मेरे को क्या करेंगे आप व्हाट्सएप करेंगे नाम लिख के कि सर कैटेकॉल का ये है, रेसोर्ट किनॉल का नाम ये होगा, हाइड्रोक्विनोन का नाम या किनॉल का नाम ये होगा, ये वाला थोड़ा याद रखिएगा, ये वाला थोड़ा ज्यादा आगे यूज होगा, ठीक है। चलिए चलें चलिए इसको रफ कर देते हैं। एकदम अच्छे से लिख के दीजिएगा मेरे को आप, ठीक है, कोई इसमें कोताही मत पड़ दीजिएगा, अच्छे से मैं चाहता हूँ आप। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देता हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ और आईयूपीएसी नाम आपको लिखना है, राइट आईयूपीएसी नेम, ठीक है। तो सबसे पहला नाम लिखिए CH3, CH, CL, CH, CH3, CH, CH3, CH2OH। इसका मेरे को आप नेम करके देंगे, नॉमिनल कल्चर करके देंगे, नाम क्या होगा इसका। सेकंड CH3, CH, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, CH3,
CH2, ये CH3, इसका नॉर्मल कल्चर करके देंगे, क्या होगा? थर्ड ये CH3, और ये OH, इसका नाम मेरे को बताएंगे क्या होगा? फोर्ड। ये NO2 और ये O एकांक करते इस पर इंटरनेट। O C2H5, इसका क्या करेंगे आप? मेरे को नाम बताएंगे क्या होगा? ठीक है, क्या करेंगे आप? मेरे को नाम बताएंगे, आपको डिसाइड करना है। मैंने पहले आप प्रेफरेंस टेबल बनाया है, आपको डिसाइड करना है कैसे नंबरिंग होगा, कहाँ से नंबरिंग होगा, क्यों नंबरिंग होगा, सब कुछ करके मेरे को आप व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। अब इसके प्रिपरेशन में हम आने वाले हैं, तो चलिए इसको रफ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ जैसे कि हम प्रिपरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले हम कुछ जो हमारे हम जो जैसे अल्कोहल है, फेनॉल है, ईदर है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिएगा अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल लिख लिए। चलिए अब हम इसके कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, थोड़ा बड़ा लिखे तो अच्छे से समझ में आएगा। एच एच एच, इसका जो एक्चुअली स्ट्रक्चर होता है ऑक्सीजन का, ये और एच होता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये जो एंगल होता है, ये स्ट्रक्चर का COH का जो एंगल होता है, ये आपका होता है, याद रखिएगा, 108.9 डिग्री। कितना होता है? 108.9 डिग्री, एकदम अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आता है। OH का जो बॉन्ड है, OH का जो बॉन्ड है, जो OH का आपका बॉन्ड है, जो OH का बॉन्ड है, इसका जो लेंथ होता है, क्या होता है? लेंथ कितना होता है? ये होता है 96 पिकोमीटर। कितना होता है? 96 पिकोमीटर। और जो CO का बॉन्ड है वो होता है आपका 141 पिकोमीटर। कितना होता है? 141 पिकोमीटर। इतना अच्छे से आपको याद रखना है, नोट कर ले। नोट कर लिया? ठीक है, 96 और CO का 141, नहीं 141 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 142 इसको लिख देते हैं। क्या होता है? 142, सॉरी 141 लगभग वही होता है, लेकिन 142 एग्जैक्ट लिख देते हैं, 142 मानते हैं इसको। तो ये वाला बॉन्ड का कितना हुआ? 96 पिकोमीटर, और इसका 142, कितना? 142 पिकोमीटर, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अल्कोहल हो गया, आगे हम बात करते हैं फेनॉल। आगे किसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स? फेनॉल की। फेनॉल हेडिंग डालें, बनाए बेंजीन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या करना है? फेनॉल है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, लोन पेयर होंगे इसके पास। इसका जो एंगल होता है वो लगभग लगभग होता है, सेम ही होता है उससे अल्कोहल से, लगभग 109 डिग्री। वो 108.9 था अल्कोहल वाला, ये 109 डिग्री। और इसके जो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का लेंथ है वो है 136 पिकोमीटर, ये आपको याद रखना है, 136 पिको। ये पीएम नहीं है भैया, ये पीएम, ये पिकोमीटर कहा जाता है, यानी पिकोमीटर। ठीक है, सिमिलरली इतना आपको याद रखना है, जो जो मैं बता रहा हूँ एकदम याद रखना है। ये वाला जो बॉन्ड है ये कितना है? 136 पिकोमीटर, और ये वाला सेम होता है 96 पिकोमीटर, 96 पिकोमीटर सेम होता है OH का, इसमें कोई
आप वो मत रखिएगा, ठीक है। आप कहेंगे सर ये कम हो गया ग्लोबल वार्मिंग, हाँ भाई मॉनलाइन काम क्योंकि ये देख रहे हैं कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि कार्बन का इसमें कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जिस कार्बन एटम में कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो वो जब किसी से बॉन्ड बनाता है तो कम ही हो जाता है लेंथ एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। ये हो गया फेनॉल। अब आगे हम आते हैं इधर पे, इधर पे किस पे आते हैं, इधर पे। तो ये इधर का याद है CH3 ओ CH3, ठीक है। अगर इसको CH3 ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं H, सिमिलरली इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं H, ये इधर हो गया आपका। इसके जो एंगल होता है ये होता है 111.7 डिग्री, कितना होता है 111.7 डिग्री, ठीक है। इसका जो बॉन्ड होता है जो CO का बॉन्ड होता है, यहाँ पे CO का जो बॉन्ड होता है वो आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, जो CO का बॉन्ड होता है उसका लेंथ होता है 141 picometer। ये भी सेम, ये CO, ये दोनों सेम है, ये दोनों लेंथ सेम है, कितना होता है 141 picometer। इतना याद रखिएगा, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा इधर, ठीक है। क्या हेडिंग डालेंगे आप, इधर, ठीक है। अच्छे से इसको ध्यान से लिखिएगा और इसको ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। ये बॉन्ड और लेंथ याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी आपके एक नंबर में पूछ लेता है। अगर मान लीजिए आपका आपका वो आ रहा है, क्या कहते हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, तो पूछता है भाई कितना एंगल है, तो ये सारी चीजें पूछता है कभी कभी, कितना एंगल है, कितना CO बॉन्ड का लेंथ कितना है, OH बॉन्ड का लेंथ कितना है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। चलिए अब हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। क्या आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। पहला डालिए अल्कीन से, किससे, अल्कीन से, फ्रॉम अल्कीन से हम देखने वाले हैं। अब हम क्या देखेंगे, अल्कोहल का प्रिपरेशन, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए अब इसमें हम करते क्या हैं, मेन बात आती है इसमें हम करते क्या हैं भाई। अब इसमें हम करेंगे, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। अच्छा एक हेडिंग डाल लीजिए इसके, फ्रॉम अल्किन से, फ्रॉम अल्किन के नीचे एक हेडिंग डाल लीजिए, बाई एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। क्या डालेंगे, बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। अब देखिए बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन के नीचे अब लिखिए जो मैं कह रहा हूं, इट इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। Here alkene reacts with water, जो लिख रहा हूँ, जो कह रहा हूँ लिखते जाइए। Here alkene reacts with water. In the presence of acid, and forms alcohol. अल्कोहल एज मेन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका सबसे पहले रिएक्शन लिखिए, ये वाला सी डबल बॉन्ड सी, ये क्या हो गया आपका अल्कीन, इन प्रेजेंस रिएक्ट विद वाटर, वाटर यानी H2O। और कैटलिस्ट क्या हमने लिया, एसिड। अब याद रखिएगा एसिड अगर हम कैटलिस्ट लेते हैं तो एसिड कैटलिस्ट लेते हैं तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करना, तो एसिड को हमें वाटर के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। और एक चीज जान लीजिए, कोई भी एसिड होता है हमको क्या देता है, H प्लस। कोई भी एसिड देता है हमको क्या देता है, H प्लस यानी प्रोटॉन। अब एसिड जैसे मान लीजिए HCl, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो क्या आएगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। H2SO4 को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या आएगा, H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो याद रखिएगा जब भी एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज हो वहां पे वह इस रिएक्शन में H प्लस देगा, क्या देगा, H प्लस देगा। अभी हम इसका डिटेल एनालिसिस बताएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहले रिएक्शन लिख लीजिए, ये H2O इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एसिड, ठीक है, ये क्या देगा, H प्लस देगा, जो लेगा यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये सी सिंगल बॉन्ड सी, और सिंगल बॉन्ड सी आपका यहाँ से OH जुड़ जाएगा, H, 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 ठीक है।
और यहाँ से भी एच आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये इस तरीके का आपका क्या बनेगा, अल्कोहल। ये क्या है, इसका नाम लिखिए, इसका नाम लिखिए, क्या है भैया इसका नाम, लोगो नाम लिखो भैया, क्या इसका नाम है, ठीक है, जल्दी इसका नाम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ऑब्वियस बात याद रहेगा, और ये कंपाउंड मेरे को बनेगा, इसका नाम लिखेगा, ठीक है, ये वाला। दूसरा दूसरा हम एक एक रिएक्शन करवा रहे हैं, उसके बाद आपको, चलिए एक रिएक्शन करवा लीजिए, इसका डिटेल बताते हैं, फिर दूसरा रिएक्शन बताएंगे, ठीक है। इसी में है अल्किन से प्रिपरेशन का, ठीक है। अब इसका डिटेल थोड़ा बताते हैं, अल्किन से प्रिपरेशन का थोड़ा डिटेल बताते हैं, किस तरीके से रिएक्शन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, प्लस एच टू ओ, प्लस किससे, एच टू ओ, ठीक है, और यहाँ पे एसिड के प्रेजेंस में तो क्या देगा, एच प्लस। अब ये एच टू ओ को जरा देखिए, ठीक है, ये एच टू ओ क्या है, एच टू ओ का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है, एच, आपको स्ट्रक्चर भी याद रखना होता है, जैसे मान लीजिए पूछा वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, तो इस तरह बना के बताना पड़ेगा, एच टू ओ। अब चूंकि ये एसिड क्या दे रहा है, एच प्लस दे रहा है, एसिड क्या दे रहा है, एच प्लस दे रहा है, ये जाके क्या हो जाएगा, ये जाके क्या हो जाएगा, एच टू ओ से कंबाइंड, इसके पास इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लोन पेयर के साथ अटैच हो जाएगा, और लेकिन इस ऑक्सीजन को क्या देगा, क्योंकि अब चूंकि इसको क्या है, प्रोटॉन की जरूरत, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये वाला जाके इससे अटैच हो जाएगा, तो जब ये इसके साथ अटैच हो जाएगा तो इसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव साइन, तो ये आएगा आपका एच ओ पॉजिटिव एच और ऊपर एच, ये आपका हो गया एच थ्री ओ प्लस, क्या हो गया, एच थ्री ओ प्लस, यहाँ से क्या बन गया आपका, एच थ्री ओ प्लस, ठीक है। अच्छा, एच थ्री ओ प्लस बन गया, अब हम क्या करेंगे, याद रखिएगा एच थ्री ओ प्लस बन गया, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एच थ्री ओ प्लस बना है। अब जो एच थ्री ओ प्लस बना है, एच थ्री ओ प्लस, ये क्या करेगा, जो मेरा एच थ्री ओ प्लस बना है, हम ये लेते हैं, ये मेरा अल्कीन है, क्या है, अल्कीन है, साथ में एच, ये एच, ये क्या है, इसका, इसके पास क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्या करेगा, क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्या करेगा, तो याद रखिएगा, जब भी इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, ये अपना ही बॉन्ड तोड़ के खा जाएगा, अपना ही बॉन्ड तोड़ के खा जाएगा। फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से ले लेगा, और ये इसके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जब इससे डबल बॉन्ड लेगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसका आएगा सी, एक सेकंड, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, फिर आपका एच यहाँ पे, ये वाला एच यहाँ से जुड़ जाएगा, एच एच, चूंकि सी कहाँ, डबल बॉन्ड कहाँ से गया है, यहाँ से डबल बॉन्ड इसी को होता है, लोएस्ट नंबर इसी को देंगे, तो यहाँ से डबल बॉन्ड किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, और प्लस एच टू प्लस यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस एच टू प्लस नहीं, एच ओ एच, एच ओ एच यानी एच टू यहाँ से निकल जाएगा, इतना समझ में आता है, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट हमारे फॉर्म होंगे एच थ्री ओ प्लस रिएक्शन के बाद, ये दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये रिएक्शन कैसे हो रहा है ये बता रहा हूँ, अब आगे चलते हैं। अब इसी 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 हम क्या करते हैं, ये जो पॉजिटिव है इसको हम एच मान लेते हैं, प्लस एच डबल बॉन्ड एच, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे प्लस है, तो यहां से जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, सीधे यहाँ पे अटैच करेगा, अटैक करेगा और यहाँ से जुड़ने की कोशिश करेगा, तो ये क्या जाएगा आपका सी सी, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं तो अच्छे से रहेगा आपका, ये आ जाएगा आपका सी सी, यहां से ऑक्सीजन जोड़ने की कोशिश करेगा और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये 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 ये, ठीक है, ये आपसे जोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से देखिए, ये जब जोड़ने की कोशिश करेगा, ये जब जोड़ने की कोशिश करेगा तो ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा, ये जब जोड़ने की कोशिश करेगा तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा, जब जोड़ने की कोशिश करेगा तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, एक भी बूंद आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए, ठीक है, इतना नोट कर लिया आप,
एकदम ध्यान से देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लिए? ठीक है, अब चूंकि ध्यान से देखिए, ये क्या दिया है, अपना लोन पे इसको दिया है, तो यहां से पॉजिटिव हट के कहां पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे। यहां से पॉजिटिव हट के यहां पे कहां पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहां से पॉजिटिव हट के कहां पे आ जाएगा, पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे। क्यों आएगा पॉजिटिव, ये अपना लोन पेयर दिया है, यहां पे अटैक करेगा लोन पेयर के साथ कार्बन पे, तो ये अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर किया है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया, जब पॉजिटिव आ गया तो अब इसको क्या होना है, स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, फिर से वही काम करेगा, हाइड्रोजन से अपना प्रोटॉन ले लेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन से अपना प्रोटॉन ले लेगा, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका, ये अपना OH बन गया, H H H प्लस, H वहां से निकल गया था, तो यहां से यहां आके अटैच हो जाएगा, फिर से ये बन जाएगा H3O+। क्या बनेगा, H3O+। तो ये रिएक्शन है, ये थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। एक और तरीका होता है इसको, अगर मान लीजिए मेरे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन रहती है, तो नीचे रखिएगा, फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन, फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है, नीचे लिखिएगा, फॉर द अनसिमेट्रिकल अल्कीन, गले में थोड़ा प्रॉब्लम है यार, फॉर द अनसिमेट्रिकल अल्कीन, फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन द रिएक्शन फॉलोज, द रिएक्शन फॉलोज फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन, फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन, फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द रिएक्शन फॉलोज फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द रिएक्शन फॉलोज मार्कोनिकोफ्स रूल। कौन सा रूल, मार्कोनिकोफ्स रूल, मार्कोनिकोफ्स रूल। ये क्या होता है कि आपके अल्कीन के प्रिपरेशन में पढ़ाया जाता है क्लास 11th में, अल्कीन का जब प्रिपरेशन हम पढ़ते हैं क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। अगर आप नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैं मार्कोनिकोफ्स रूल बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जब भी, लेट अस सपोज कि ऐसा है, मैं पूरा रिएक्शन ही बता देता हूँ, उसी में आपको समझ में आ जाएगा। मार्कोनिकोफ्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन होते हैं। तो लेट अस सपोज हम लेते हैं CH2CH CH3। तो या ये काम करते हैं, स्ट्रक्चर ले लेते तो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। CH3 CH CH2, ठीक है, प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H+। जब इस तरह का केस होता है ना, इस तरह का केस होता है, तो मार्कोनिकोफ्स रूल क्या कहता है, मार्कोनिकोफ्स रूल कहता है कि जो OH- है, यानी जो न्यूक्लियोफाइल है, जैसे यहाँ पे इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, अल्कीन में न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैच हुआ था, फर्स्ट कार्बन पे। कहाँ पे अटैच हुआ था भाई, हमने सी डबल बॉन्ड सी लिया था, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैच हुआ था, OH पे। और हमने प्रोसेस देखा था कि इस तरीके से सबसे पहले H2O से जब H+ आता है तो H3O+ बनता है, H3O+ जाके कहाँ पे, H3O+ बनता है, H3O+ का होता क्या है, H3O+ का क्या होता है भैया, जो H3O+ है मेरा, यानी H3O+ बनता है, अब उससे क्या होगा, एक हाइड्रोजन अलग हो जाता है, उसके अलावा जो H2O है, H2O+ या H2O रहता है, जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड से अटैच हो जाता है, और वहां से H निकल जाता है और OH बच जाता है। ठीक है, इतना हमने देखा था। सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होगा, लेकिन यहाँ पे मार्कोनिकोफ्स रूल फॉलो होगा कि भाई जब अनसिमेट्रिकल अल्किन रहे, मतलब कि डबल बॉन्ड के इस साइड कोई अल्काइल ग्रुप नहीं, लेकिन इस साइड एक अल्काइल ग्रुप है, अगर यहाँ पे भी CH3 रहता तो वो सिमेट्रिकल अल्किन कहलाता, अगर यहाँ पे भी क्या रहता, CH3 रहता इस तरीके से, तो ये क्या होता, सिमेट्रिकल अल्किन। लेकिन यहाँ पे CH3 ना रह के यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप,
क्या है? हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन है तो ये क्या फॉलो करेगा? मार्कोनी कॉफ रूल। क्या फॉलो करेगा? मार्कोनी कॉफ रूल। इसके अनुसार जो OH ग्रुप है यहाँ ना अटैच होके कहाँ पे अटैच हो जाएगा? यहाँ पे। यहाँ ना अटैच होके कहाँ पे अटैच हो जाएगा? यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके का रहेगा, ये OH। अब इसका नाम आप मेरे को लिख के बताइए, ठीक है? इसका नाम आप मेरे को लिख के बताइए, ठीक है? O प्लस H3O प्लस निकल जाएगा। आप कहेंगे सर इसका भी प्रोसेस बताइए। सेम प्रोसेस है भाई, जैसे मैंने इसमें बताया था सेम प्रोसेस इसमें भी है। बस आपको करना क्या है, OH को यहाँ पे अटैच ना करके आपको यहाँ पे अटैच करना है। जो H2 यहाँ पे जोड़ रहा था यहाँ पे ना जोड़ के यहाँ पे जोड़ना है। क्यों? अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉफ रूल। क्या कहता है मार्कोनी कॉफ रूल? लिखेगा अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी कॉफ रूल, नीचे लिखेगा रिएक्शन लिखने के बाद, अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी कॉफ रूल द न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड, द न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड ऑलवेज, द न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड ऑलवेज टू द कार्बन एटम, टू द कार्बन एटम हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कि लेट अस सपोज कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अटैच नहीं होगा, यहाँ पे अटैच नहीं होगा, कहाँ पे अटैच होगा? कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। अगर इसके अलावा कहीं और ऐसा होता कि एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो वहाँ पे जाके OH अटैच होता। लेट अस सपोज अगर यहाँ पे अगर ये हमारा ये क्या रहता, ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या होता? ट्रिपल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच होता जाके? हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच होता? यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन होता, लेकिन मेरा जो OH ग्रुप कहाँ पे अटैच होता था? यहाँ पे इसको तोड़ के एक बॉन्ड तोड़ देता और यहाँ पे OH अटैच हो जाता, ठीक है? फिलहाल ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है? फिलहाल ऐसा तो कुछ नहीं है, अभी H3 है, तो यहाँ पे कहाँ पे अटैच होगा? OH पे। क्यों? क्योंकि मार्कोनी कॉफ रूल करता है कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ पे अटैच होता है जाके, लेकिन ये कब वैलिड है? फॉर अनसिमेट्रिकल कार्बन, फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन, मतलब अनसिमेट्रिकल अल्कीन। इस तरह का अगर सिमेट्रिकल होता तो फर्स्ट कार्बन पे ही OH होता, अगर सिमेट्रिकल होता तो फर्स्ट कार्बन पे OH होता, लेकिन अनसिमेट्रिकल के लिए मार्कोनी कॉफ रूल कहते हैं कार्बन अटैच, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल अटैच और अटैक्स द साइड वेयर द हाइड्रोजन प्रेजेंस इज लेस, वेयर द हाइड्रोजन बॉन्ड टू कार्बन प्रेजेंस इज लेस। इतना आपको याद रखना, ठीक है? इतना समझ में आता है। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब अल्कोहल का प्रिपरेशन हम किससे पढ़ते हैं? फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हेडिंग डाल लीजिए सेकंड वाला, फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आप कहेंगे सर ये क्या है, बताते हैं। सबसे पहले इसके नीचे कुछ लिखिएगा, क्या लिखिएगा इसके नीचे? आप कुछ लिखिएगा, हाँ तो लिखिएगा नीचे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन was first reported by scientist H.C. Brown in 1959 due to his research on boron containing organic compound he received the Nobel Prize in 1979 which he shared with the scientist G. Wittig। इतना याद रखें, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है। अब हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडेशन है क्या? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है क्या? नीचे लिखिएगा in hydroboration oxidation डाइबोरेन यानी BH3 का होल ट्वाइस लिखते जाइए, मैं बताता हूँ। डाइबोरेन BH3 का होल ट्वाइस रिएक्ट्स विद अल्कीन टू गिव ट्राई अल्काइल बोरेन
ट्राई अल्काइल बोरेन, ट्राई अल्काइल बोरेन, ट्राई अल्काइल बोरेन, विच वेन ऑक्सीडाइज विद विद हाइड्रोजन परऑक्साइड, विच वेन ऑक्सीडाइज विद हाइड्रोजन परऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स द प्रोडक्ट एज अल्कोहल, गिव्स द प्रोडक्ट एज अल्कोहल। अब इसमें करना क्या है, CH3 CH CH2, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा था, डाइबोरेन यानी BH3 का होल ट्वाइस, इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे HBH2 लिख सकते हैं इसको, और उसका अगर हम होल ट्वाइस ले लें, ये सही है, सेम है, BH3 को HBH2 लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऐसा होता है इसका, ठीक है ठीक है ठीक है, इतना समझ में आता है, ठीक है। अब अगर इसका हम रिएक्शन कराएंगे, ध्यान से देखिएगा इसका, ठीक है, जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा चलते हैं, कैसे, हमने कहा ट्राई अल्काइल बोरेन बनेगा, क्या बनेगा, ट्राई अल्काइल बोरेन, ट्राई अल्काइल बोरेन, ट्राई अल्काइल बोरेन। सबसे पहले एक अल्काइल बोरेन बनाते हैं, वन अल्काइल बोरेन, तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा CH3 CH। अब इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के चला जाएगा यहाँ पे, तो यह क्या हो जाएगा CH2 BH2 CH2 BH2, पक्की बात है ये, हाँ जी पक्की बात है, हाँ। अब ये फिर से फर्दर रिएक्शन में जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कंबाइंड होगा इसके साथ, फिर बनेगा ये CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस BH, ठीक है। फिर ये फर्दर रिएक्शन में जाएगा किसके साथ, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस बी। ये क्या है, ट्राई अल्काइल बोरेन है, ये ट्राई अल्काइल बोरेन है, ट्राई अल्काइल बोरेन, ठीक है, इसी को कहते हैं ट्राई अल्काइल बोरेन। इतना समझ में आता है, यहां तक लिखिए, फिर आगे हम इसको रफ करके बताते हैं, ट्राई अल्काइल बोरेन, पॉज करके लिख लीजिएगा। अब ट्राई अल्काइल बोरेन है CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस बी, ट्राई अल्काइल बोरेन, नाम लिख लीजिएगा ट्राई अल्काइल बोरेन। अब क्या होगा, जैसे मैंने कहा था, इन विद H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड 3 लेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या आप कर सकते हैं NaOH प्लस H2O, एक्वस सॉल्यूशन है H2O, या आप यहां पे लिख सकते हैं इसके जगह, या लिख सकते हैं और करके, या तो ये लिखेगा या लिखेगा OH-H2O, दोनों में से कोई एक आपको लिखना है, दोनों मत लिखिएगा, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, तो क्या बनेगा आपका, जो आपका बनेगा वो बनेगा, इसको अलग कलर से लिखे तो अच्छा रहेगा, CH3 CH2 CH2OH प्लस BOH का होल थ्राइस। ये कौन सा कंपाउंड है, प्रोपेनॉल, कौन सा कंपाउंड है, प्रोपेनॉल, कौन सा कंपाउंड है, प्रोपेनॉल, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसका हमने सफिक्स के साथ लिखा है, आप प्रीफिक्स के साथ लिख के मेरे को बताइए क्या होगा, प्रीफिक्स के साथ लिख मेरे को बताइए, और कमेंट कीजिएगा यूट्यूब पे, कमेंट नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप कीजिएगा मेरे को, लेकिन बताइएगा अवश्य, ठीक है। ये है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब आप कहेंगे सर आपने पहले बताया था कि अगर इस तरीके का, अगर हमने जो लिया था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपने कहा था इसका जब भी हम हम H2O के साथ वो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये क्या होता है कि मार्कोनी को फ्लूइड के अनुसार यहाँ पे टेस्ट होना चाहिए था, यहाँ पे टेस्ट क्यों हुआ, तो याद रखिएगा इस रिएक्शन में ये ही होता है, ठीक है, जिस रिएक्शन में यही होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एसिड प्रेजेंस नहीं है, एसिड प्रेजेंट नहीं है, और H2O के साथ भी नहीं है, किसके साथ है, यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का, तो जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से क्या मिलता है OH- एज ए न्यूक्लियोफाइल,
ये न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा, इसका भी हम स्ट्रक्चर बता सकते हैं, इसका भी हम रिएक्शन बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बताएंगे तो बहुत देर हो जाएगा, लेकिन हम उस करेंगे, आपको रिएक्शन आना चाहिए, क्योंकि आपको रिएक्शन पूछेगा, स्ट्रक्चर बहुत कम पूछता है। अगर स्ट्रक्चर पूछे भी तो वही वाला स्ट्रक्चर बना दीजिएगा जो मैंने कहा था, बस उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। अच्छा चलिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं बना के दिखा दूँ, ठीक है। ये जो सी एस थ्री जो मैंने कहा था, क्या है, सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू का होल थ्राइस बी, ये क्या है, OH माइनस यहाँ पे अटैक करने वाला है, OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगी, ठीक है। अब याद रखिएगा, जो इस तरह का अटैक होता है, हम एक सिंगल कंपाउंड पे लेते हैं, क्योंकि हमने एक बैलेंस किया हुआ है, हमने पहले यहाँ पे क्या लगाया, हाइड्रोजन परऑक्साइड लगाया है, और OH माइनस एंड H2O ये लिया है, ठीक है। OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, तो याद रखिएगा OH माइनस हमेशा यही से जुड़ जाएगा। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ रिएक्शन याद करना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और साइंटिस्ट का नाम रखिएगा याद, एक बार साइंटिस्ट का नाम क्या है, साइंटिस्ट एस सी ब्राउन, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और इसको क्या कहते हैं, डाइबोरेन, ठीक है। जो भी पूछा आप अच्छे से इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, कर देते हैं, अब हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे, कहाँ से, अब हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से, किधर से, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। आप कहेंगे कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, बताते हैं, इसके नीचे डालिएगा फर्स्ट बाई रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो बाई रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन क्या करना है इसमें, इसमें कुछ नहीं करते, नीचे लिखिएगा अल्कोहल कंपाउंड्स आर ऑब्टेंड, alcohol compounds are obtained from aldehyde and ketone by its reduction. Aldehyde and ketone are reduced by two ways. First of all, we react the aldehyde and ketone with hydrogen. Aldehyde and ketone with hydrogen in the presence of metals like platinum, प्लेडियम, पैलेडियम और निकल, लाइक प्लेटिनम पीटी, प्लेडियम पीडी एंड निकल एनआई, वी गेट अल्कोहल ग्रुप। सेकंड वे इज दैट बाय यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज सोडियम हाइड्रोबोरेट, या इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, और उसके आगे ब्रैकेट लिखिएगा NaBH4 और लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, और ब्रैकेट पे लिखिएगा LiAlH4, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड। फिर आगे लिखिएगा दीज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एंड फिर आगे लिखिएगा these are not used for commercial purposes of acid reduction to alcohol, but they are used only for preparation of special compounds only, ठीक है। अब ध्यान से रखिएगा, हम क्या करने जा रहे हैं, अल्कोहल बनाने जा रहे हैं फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन। हम दो तरीके से इसको बनाएंगे, सबसे पहला तरीका हम लेते हैं RCOH, ये स्ट्रक्चर है आपका RCHO, किसका है, अल्डिहाइड का, प्लस हमने क्या कहा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, क्या रहेगा, या तो प्लेटिनम रहेगा, या पैलेडियम रहेगा, या निकल रहेगा, तीनों में से कोई एक रहेगा चलेगा, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, RCH2OH, क्या बना देगा, RCH2OH, ठीक है। ये आपका क्या है, अल्डिहाइड से किसमें रिडक्शन हो गया, अल्कोहल में, अल्डिहाइड से किसमें रिडक्शन हो गया, अल्कोहल में। दूसरा, अगर हम लेते हैं
आपका कीटोन, कीटोन ग्रुप लेते हैं, ये क्या हो गया आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। ये आर डैश क्या है, आर डैश का ये मतलब कभी कभी आप देखते होंगे आर डैश, ये आर डैश कौन सा कंपाउंड है, आज तक समझ में नहीं आया, ये आर डैश कुछ है नहीं बेसिकली, ये हम आर डैश इंडिकेट करने के लिए करते हैं कि अगर आर यहाँ पे सी एच थ्री है तो आर डैश का मतलब कि ये सी एच थ्री नहीं है, ये सी एच थ्री के अलावा कुछ भी हो सकता है, सी टू एच फाइव या सी थ्री एच सेवन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सी एच थ्री नहीं है। आर डैश का मतलब है कि जो यहाँ पे हमने जो अल्काइल ग्रुप लिया है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है, ये आर और आर डैश लगाने का मतलब है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये मेरा कीटोन ग्रुप है, इसको भी हम हाइड्रोजन से पास कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या पैलेडियम या निकल। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि ये जो कीटोन है ना, ये इसका बॉन्ड टूटेगा और ये कुछ इस तरीके का बनेगा, इसको यहाँ पे दिखाते हैं भाई, यहाँ आर सी आर डैश और अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा, कहाँ पे अटैच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये एच यहाँ पे रहेगा, ठीक, इतना याद रखिए। OH कहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे, OH कहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे, समझ में आता है इतना, OH कहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे, इतना समझ में आता है। चलिए ये आप नोट कर लें, नोट कर लें, मैं हट जाता हूँ, नोट कर लें आप, ठीक है, ये वाला थोड़ा नोट कर लीजिएगा, इसको और भी क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आर सी एच आर डैश, ऊपर OH लगाइए, नीचे OH लगाइए, जहाँ लगाना आपको लगाइए, ठीक है। अब क्या आपका क्या काम है, मेरे को नाम बताइएगा सब, ठीक है, नाम बताइएगा अपने हिसाब से, आर और आर डैश ले लीजिएगा, सी एच थ्री ले लीजिएगा, आर को आर डैश को सी टू एच फाइव या सी थ्री एच सेवन ले लीजिएगा, और मेरे को नाम बताइएगा इसका क्या नाम हो सकता है, व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है, ठीक। अब अगर हम क्या करें, हमने जैसे कहा हमने एक स्ट्रॉन्ग एजेंट लिया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है, लेकिन हम उसको अगर लेते तो क्या होता है, तो हमें ये सारी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, ये सारी चीज़ों की हमको कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। हमें क्या करना होता है बेसिकली, हमें बेसिकली क्या करना होता है, यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस, कुछ नहीं करना होता है, प्लस एच टू टू कुछ नहीं, सीधे आप कैटलिस्ट यहाँ पे ले लें, सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, दोनों में से कोई ले सकते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एच टू, ये क्या बन जाएगा आपका, सिंपल सही सीधे OH बन जाएगा, डायरेक्ट OH बनेगा, कोई ताम झाम नहीं, डायरेक्ट क्या बनेगा, OH बनेगा। दूसरा, अगर हम यहाँ पे कीटोन लेते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये भी अगर सेम लेते हैं एन ए बी एच फोर या एल आई ए एल एच फोर और इन प्रेजेंस ऑफ ये एल आई एच, ये एच को यहाँ मानिए और एल आई ए एल एच फोर ही क्या है, एल आई ए एल ए एल एच फोर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये क्या बनेगा आपका, ये वही बनेगा, वही कंपाउंड बनेगा और ये जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन इसके लिए ये हम अगर हम कमर्शियल प्रिपरेशन कर रहे हैं एसिड का, इस अल्कोहल का मान लीजिए कमर्शियल प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, मान लीजिए 10 लाख लोगों के लिए बना रहे हैं अल्कोहल, लेकिन अल्कोहल अगर 10 लाख लोगों के लिए बनाएंगे, अगर हम ये यूज़ करना चाहें तो हमारा तो जितना हमें चाहिए मतलब कि अगर हम किसी को बेचते हैं तो हमको जितना अमाउंट मिलेगा नहीं उससे ज़्यादा हमारा खर्चा हो जाएगा, खर्चा हमारा बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो रिएजेंट है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अगर इसको हम यूज़ करने लगे तो हमारा हम कभी प्रॉफिट कर ही नहीं पाएंगे, हम कभी बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एसिड बनाने के लिए यूज़ होता है, अदरवाइज हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, वही एच टू और साथ में क्या पैलेडियम प्लेटिनियम जो भी निकल रहता है उसको हम यूज़ करते हैं, बहुत सस्ता पड़ता है। अब नेक्स्ट लिखिएगा By reduction of carboxylic acid and ester. By reduction of carboxylic acid and ester. ठीक है, तो अगर हम C double bond OH R
इसके साथ हम अगर या तो H2 वाला कर सकते हैं या तो अगर डायरेक्ट कर दें NaBH4 या LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ H2O, ये क्या हो जाएगा RCH2OH, ये बन जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट बनेगा। लेकिन 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 क्या, लेकिन ये कि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। क्या होता है? एक्सपेंसिव। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम कौन सा मेथड यूज करना चाहेंगे, हम कौन सा मेथड यूज करना चाहेंगे, हम एक और मेथड यूज करना चाहेंगे। कौन सा मेथड? हम सेम थिंग ईस्टर के साथ भी कर सकते हैं, सेम थिंग ईस्टर के साथ भी कर सकते हैं, RC(OOR) ईस्टर है, ठीक है। अभी हमें आर डैश ले लेते हैं, हम चाहते हैं कि ये दोनों डिफरेंट हो, RC(OOR). ये क्या है, ये आपका हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, बस वैसे ही सोडियम जैसे हमने रिड्यूस किया था। अगर हम इसमें हाइड्रोजन डाल दें और कोई भी प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल ये डालते हैं और रिड्यूस करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा RCH2OH, ठीक है। ये उसके बाद क्या बनेगा बताइए, हम इतना सारा रिएक्शन बताए तो हम ही बताएं, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पे दो ओ है, एक के साथ ये बना लिया, फिर एक के साथ ये क्या हो जाएगा ROH, दो अल्कोहलिक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, एक इस R का और इसका, ठीक है, इतना बन जाएगा। ये किसका है? इस्टर का रिडक्शन। लेकिन अगर हम कहें कि सर अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का ही ऐसा रिडक्शन चाहते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ऐसा रिडक्शन नहीं होता है। तो नीचे लिखेगा, In case of ester, we can reduce it to alcohol by just in ester, we can reduce it to the alcohol. In ester, we can reduce it to the alcohol. by reacting with hydrogen in presence of In presence of platinum, palladium, or nickel, we get alcohol compound. Okay. But in case of carboxylic acid, it is not possible. So first of all, we have to convert it into the ester. Then the ester is reduced into the alcohol compound. नीचे लिखेगा, directly carboxylic acid can be reduced to the alcohol by using strong reducing agent that is NaBH4/LiAlH4, but this reducing agent is very very expensive. So we follow the first step, that is the reduction of carboxylic acid to ester, and then reduce ester to alcoholic compound, ठीक है, इतना लिख दिए। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, C double bond O, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, साथ में R लगा देते हैं, क्या होगा इसका, सबसे पहले इसको हमें क्या कन्वर्ट करना है, ईस्टर में। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, R-OH के साथ एज ए कैटलिस्ट लेंगे, R-OH के साथ क्या लेंगे, एक कैटलिस्ट लेंगे R-OH के साथ, और H+ मतलब कि किसी एसिड के प्रेजेंस में रहेंगे, तो H+ देता है, क्या देता है, वो H+ देता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा RC(OOR), क्या बन जाएगा OR-OR- प्लस H2O, यहाँ से वाटर की तरह निकल जाएगा, प्लस H2O निकल जाएगा वेपराइज, ठीक है, क्या हो जाएगा वेपराइज। जब भी वेपराइज होता है तो इसको साइन ऐसे हम दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, इससे पता चलता है वेपराइज हो गया। अब ये ईस्टर है, अब ईस्टर हम क्या करेंगे, RC(OOR) अब इसको रिड्यूस कर देंगे,
H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल, क्या बन जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड O OH प्लस R-OH, दो अल्कोहलिक कंपाउंड बनने, ठीक है, ये दोनों हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस करते हैं, पहले रजिस्टेंट में कन्वर्ट करते हैं, चाहे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के कारण, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट क्यों यूज नहीं होता, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो कमर्शियल पर्पस अगर बिजनेस पर्पस के लिए करना चाहे तो हम यूज नहीं कर सकते, तो बिजनेस पर्पस में हम ये वाला मेथड ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हमें प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ना है फ्रॉम ग्रिगनागरी एजेंट, ग्रिगनागरी एजेंट कुछ याद आया, ग्रिगनागरी एजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, कहाँ से ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो जैसे कि हम जानते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX क्या होता है, RMGX ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट में, हम पहले भी आपको बता चुके हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट जब पढ़ाए थे, RMGX क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है स्लाइड पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या होता है स्लाइट नेगेटिव, ये क्या होता है स्लाइस नेगेटिव, ये इस इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, और मैंने कहा था ये अल्काइल ग्रुप है, ये इस ये मैग्नीशियम से भी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट में, इसलिए स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव होता है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखना है, नीचे लिखे नीचे लिखे नीचे लिखेगा अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड एंड कीटोन आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, aldehyde and ketone are converted into alcohol, aldehyde and ketone are converted into alcohol, aldehyde and ketone are converted into alcohol by the use of Grignard reagent, by the use of Grignard reagent, this reaction takes place in two steps, in first step from aldehyde or ketone adduct is formed, क्या होगा adduct मैं बताता हूँ, adduct is formed, and from the hydrolysis of adduct, we get the alcohol compound, ठीक है, नीचे लिख लीजिएगा कि Grignard reagent, और ये जो मैंने आपको बताया लिख लीजिएगा, ठीक है, चलिए अब reaction देखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं हम कीटोन, क्या लेते हैं कीटोन सी डबल बॉन्ड, ठीक है, और उसके साथ हम क्या लिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये डेल्टा पॉजिटिव होता है, डेल्टा पॉजिटिव होता है। अब होगा क्या इसमें, याद रखिएगा जब ये रिएक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका एक चीज, जब भी रिएक्शन होगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका एक चीज क्या होता है, याद रखिएगा ये डबल बॉन्ड क्या करेगा ऑक्सीजन पे जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइड, ठीक है, और ये आर यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला यहाँ पे अटैच हो जाएगा, फाइन, आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन आना चाहिए, कैसे हो रहा है ये जानने की आवश्यकता है, याद रखिएगा ये वाला कहाँ पे अटैच होगा यहाँ पे, ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अपना ले लेगा, और ये MgX है ये वाला यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा C यहाँ पे, ठीक है, ये R यहाँ पे आ जाएगा, ये O सिंगल बॉन्ड O, और फिर MgX यहाँ पे मानता है, ये O माइनस है, फिर Mg प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये H है, ये टोटल क्या हो जाएगा आपका एडक्ट, क्या हो जाएगा एडक्ट, ये टोटल क्या है आपका एडक्ट, इसको ही कहते हैं एडक्ट, याद रखिएगा एडक्ट क्या कहता है इसको एडक्ट, यही मेरा एडक्ट, A-D-D-U-C-T, क्या है एडक्ट, ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे CH2RO MgX, ये क्या है आपका एडक्ट, ये क्या है आपका एडक्ट, इसको नोट कीजिए फिर आगे करते हैं।
ये क्या है आपका एडक्ट। ठीक है, इतना याद रखिएगा यार, यहाँ पे ज्वाइन होगा ऑक्सीजन, आपने डबल बॉन्ड ले लेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एमजीएस यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा एडक्ट। ठीक है, इस तरीके का एडक्ट बनता है। अब थोड़ा इसको इरेज करते हैं और ये एडक्ट को याद रखिएगा। अभी एडक्ट का क्या होगा, ये जो एडक्ट बना है बेटा एच एच आर ओ माइनस एम जी प्लस एच, ये बना है एडक्ट। इसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस यानी एच टू ओ के साथ, जब एच टू के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनेगा, एच टू के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा सी एच आर ओ एच प्लस एम जी ओ एक्स का होल ट्वाइस, क्या बनेगा एम जी ओ एक्स का होल ट्वाइस, सॉरी सॉरी क्या बनेगा एम जी ओ एच एक्स, क्या बनेगा एम जी ओ एच एक्स, पहले नोट कीजिए फिर मैं बताता हूँ, नोट कीजिए अच्छे से नोट करते जाइए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सी एच टू आर ओ एम जी एक्स एच टू ओ के साथ सी एच टू आर ओ एच प्लस एम जी ओ एच एक्स प्लस एम जी ओ एच एक्स बनता है। ठीक है, अब ध्यान देखिएगा ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा अल्कोहल ग्रुप, ये क्या है मेरा अल्कोहल ग्रुप। चलिए आगे हम कुछ चीज और बताते हैं कि आपको प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल कैसे मिलता है। ये एकदम याद रखिएगा, ग्रिग्नार्ड ग्रेडिएंट से ये बनता है। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं, पहला लिखिएगा सी डबल बॉन्ड ओ एच एच, ये आपका क्या है मिथानॉल है, ये क्या है आपका मिथानॉल, इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये अगर ये पहला लिखेगा ऐसे, ठीक है, ये अगर आर एम जी एक्स के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा, ये एडक्ट बनाएगा, एडक्ट क्या होगा इसका, अब एडक्ट आपको लिखना आना चाहिए, क्या होगा आर यहाँ पे जुड़ जाएगा, आर यहाँ पे जुड़ हो जाएगा और ओ के साथ क्या हो जाएगा एम जी एक्स जुड़ जाएगा, तो आपको आना चाहिए सी आर एच एच ओ एम जी एक्स प्लस माइनस, ये क्या है आपका एडक्ट है, ये क्या है आपका एडक्ट है, ये क्या है आपका एडक्ट है, क्या है आपका एडक्ट है। ठीक है, इसको कैसे और कैसे लिख सकते हैं सी एच टू आर ओ एम जी एक्स सी एच टू आर ओ एम जी एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा इसका, इसका हाइड्रोलिसिस होगा प्लस एच टू ओ प्लस एच टू, क्या बन जाएगा सी एच टू आर ओ एच सी एच टू आर ओ एच सी एच टू आर ओ एच। ठीक है, प्लस एम जी ओ एच का होल एक्स प्लस एम जी ओ एल का ओ एच का होल एक्स। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एक और आर इसमें बढ़ा दें, हमने कहा अगर हम क्या करें सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे एक आर डैश रख देते हैं और ये एच प्लस आर एम जी एक्स आ जाए, आर आर डैश मतलब समझ रहे हैं दोनों डिफरेंट है अल्काइल ग्रुप, तो यहां से क्या आ जाएगा, अब सीधे हम लिख लेते हैं आर डैश सी, ये वाला आर नीचे आ जाएगा, ये एच ऊपर और यहां पे क्या आ जाएगा आपका ओ माइनस एम जी प्लस एक्स, ये आ जाएगा, या इसको और क्या लिख सकते हैं सी एच आर डैश आर ओ एम जी एक्स, ऐसे सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, यह क्या है आपका एडक्ट, क्या है आपका एडक्ट, क्या है आपका एडक्ट, याद रखिएगा ये एडक्ट है। और फिर आपको लिखना होगा यही स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आर डैश आर ओ एम जी एक्स सिंपल बना सकते हैं प्लस एच टू ओ हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या आएगा आपका सी आर आर एच ओ एच प्लस एम जी ओ एच एक्स। अब मेरे को बताइए इस कार्बन से कितने अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इस कार्बन से कितने अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, दो, तो इसको कहेंगे हम सेकेंडरी अल्कोहल, क्या कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। सिमिलरली अगर हम क्या करते हैं, सिमिलरली अगर हम क्या करते हैं तीसरा, तीसरे में हम क्या करते हैं अगर हम कीटोन ले लें, ये आर डैश था ये आर डबल डैश है प्लस 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 हम क्या ले रहे हैं ये आर सी ओ आर था। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल ले रहे हैं और ग्रिग्नार्ड ग्रेडिएंट ले रहे हैं,
आर एम जी एक्स, आर डबल डेस का मतलब ये भी डिफरेंट है, ये डिफरेंट है और ये तीनों डिफरेंट है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी एडक्ट क्या बनेगा बताइए मेरे को, आर डेस, आर डबल डेस, ये आर और ये ओ एच, सॉरी ओ एम जी एक्स, ओ एम जी एक्स माइनस प्लस ओ एम जी एक्स, ये क्या बन गया तुम्हारा, ये आप लोगों क्या बन गया एडक्ट, क्या बन गया एडक्ट। अब यही आपको यहाँ पे लिखना है, आर डैश सी आर डबल डैश आर ओ एम जी एक्स, ये आपका हाइड्रोलिसिस हुआ यानी एच टू के साथ गया, क्या आ गया आपका आर डैश सी, सॉरी आर डैश सी आर डबल डैश आर ओ एच प्लस एम जी ओ एच का होल एक्स, एम जी ओ एच का होल एक्स, ठीक है, ये आपका आएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इस तरीके से मेरा क्या बनता है अल्कोहल, ये क्या है अल्कोहल, ये क्या है अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, अल्कोहल का प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, अल्कोहल का प्रिपरेशन हमने देखा किस तरीके से रिडक्शन करके किया जाता है और बहुत सारे तरीके देखे हमने अल्कोहल का रिडक्शन के। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, थोड़ा लंबा ना हो जाए, आज का सेशन इतना ही रखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल हमने शुरू कर दिया है, आगे और भी अच्छे से करेंगे इसको। तो यहाँ तक आप कीजिएगा इसको, अल्कोहल फेनॉल और आगे हम फेनॉल को पढ़ेंगे प्रिपरेशन, अल्कोहल फेनॉल और जितने भी इधर है इसका प्रिपरेशन अच्छे से हम करने वाले हैं और अच्छे से ध्यान रखिएगा, बेहतरीन तरीके से उसको हम कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यही रखते हैं। तो जो भी होमवर्क दिया है, जो भी वीडियोस में मैंने कहा है कि आप यूट्यूब पे कमेंट करें या अगर कमेंट नहीं कर पा रहे तो व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज करें, एक एक चीज आपको करना है, नहीं करेंगे तो आपको केमिस्ट्री कभी नहीं आएगा, मैं लिख के देता हूँ, आपको कभी केमिस्ट्री नहीं आएगा। अगर केमिस्ट्री चाहिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो जो जो मैं कह रहा हूँ सब कुछ मेरे को लिख के दीजिए, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई डाउट आता है तो मेरे को कहिए, मैं डाउट सेशन ले लूँगा, ठीक है। तो ठीक है, मैं एक दिन डाउट सेशन का रखूंगा, उस दिन कोई लेक्चर नहीं आएगा लेकिन एक डाउट सेशन रहेगा, क्योंकि डाउट सेशन में आपके 3-4 लेक्चर के डाउट्स बाकी हैं जो कि मैं डाउट सेशन नहीं ले पाया, तो डाउट सेशन लूंगा मैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आप लेक्चर को देखिए क्योंकि आपका एग्जाम्स नियर बहुत करीब है, आपके शायद कुछ सेशनल वगैरह एग्जाम होने वाले हैं, कुछ क्लास वगैरह के, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अभी आगे पढ़ाऊँ, तो ये थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा और अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। ये वाला एडक्ट वाला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और अच्छे से इसको प्रिपेयर करिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं, और सबसे पहले आप मेरे लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे जितना भी आप जैसे जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं फ्रेंड्स उनको अच्छे से पहुँच सके, ठीक है। तो ठीक है, इसको लाइक करिएगा, कमेंट अगर पॉसिबल हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो फेनॉल प्रिपरेशन और आगे इधर के प्रिपरेशन से रिलेटेड होगी। चलिए ठीक है, इसको मैं एंड करता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।